राजद नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि भाजपा के लोगों ने अटल जी की अस्थियों को लेकर पूरे देश में भ्रमण किया, अब मुंडन करा के सूतक भी उतार ले। नहीं, अटल जी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और प्रिय नेता थे। अटल जी प्रधानमंत्री 6 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहे और अटल जी ने भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया है। जनसंघ काल से लेकर करके भारतीय जनता पार्टी तक के वो प्रथम अध्यक्ष के रूप में उन्होंने खींचने और सवारने का काम किया है पार्टी को। तो अटल जी की अगर अस्थियां जो है से उनके देहांत के बाद अगर विभिन्न नदियों में प्रवाहित किया जाता है तो इसमें उनको क्या चिंता हो रही है? और साफ तौर पर उन्होंने सर इल्जाम लगाया कि हिंदुओं की हितैषी बनती है, हिंदुत्व का बड़ा दंभ भरती है भाजपा, मगर हिंदू के खुद के ज्ञान नहीं है, उन्हें 10 कर्म कराना चाहिए सूतक उतारने के लिए। सारी विद्याएं हो रही है, सब चीज हो रहा है, मुंडन होगा विधि के हिंदू विधि के अनुसार। कई लोगों ने मुंडन भी, जिनको श्रद्धा था, जिनको अटल जी से अगाध प्रेम था, उन लोगों ने किया है और उनको मालूम होना चाहिए। अगर हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू में केवल जो अपना परिवार होता है, निकट संबंधी होता है, उसी को सूतक लगता है। ये शिवानंद तिवारी जी को मालूम है। अगर ब्राह्मण कुल से आते हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार का और कैसा सूतक लगता है हिंदू धर्म में, तो पहले वो जानकारी प्राप्त कर ले। मुझे लगता है कि वो केवल नाम के शिवानंद तिवारी हैं और उनको कोई हिंदू धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। पहले जानकारी प्राप्त कर ले और उसके बाद तब जो है से इस प्रकार की बात। उन्होंने ये भी कहा है सर कि गरुड़ पुराण सुनना चाहिए मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी जी को। जरूर, सब लोग लगातार सुनते रहे, सभी पुराण सुनते हैं, हिंदू धर्म के जितने ग्रंथ हैं, जितने वेद हैं, सब सुनते हैं। उनको तो पहले जो है से स्वयं जो है से उनको ग्रहण करना चाहिए। अगर वह देश के अंदर में रहे, भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता से उनको अगर प्रेम है तो निश्चित रूप से हिंदू धर्म की मान्यताओं को मानना चाहिए उनको। उनका एक और इल्जाम है सर कि ये जो चुनावी रणनीति कहीं ना कहीं आप लोग लगा रहे हैं मजमा लगा के अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को लेकर। अब अटल जी का देहांत, किसी का इंदिरा गांधी का देहांत हुआ तो लोगों ने जो है से उनके भी अस्थियां प्रवाहित किया, जवाहरलाल नेहरू के हुआ तो उनको भी अस्थियां को प्रवाहित किया, ये तो होता है। और अटल जी अगर हम भारतीय जनता पार्टी के हैं तो हम उनका लाभ हम नहीं लेंगे तो वो लेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने बनाने का काम किया है, सींचने और सवारने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मरने और मिटने का काम किया, अपने आप को राष्ट्र और भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने समर्पित किया है, तो उसका लाभ तो भारतीय जनता पार्टी ही लेगा, उनको नहीं मिलने वाला है।